जब तक हम सुधारे नहीं अपने रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट को हमने सुधारा नहीं और हम मुड़ने की बात कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी को एडमिट एक्सेप्ट करके अडॉप्ट करने में हम काफी एक्सपर्टीज रखते हैं. जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है हम इसको बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं और ये काफी होने वाला है, बिल्कुल होगा. बस एक प्रॉब्लम है जो हमें इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी है. ड्रोन 1.0 आ गया है, उसको पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ड्राफ्ट ड्रोन 2.0 जो जनवरी में पब्लिक के लिए इशू किया गया था, जो ड्राफ्ट जो इशू किया था उसमें जो है इसी चीज के लिए रिकमेंड किया गया है दैट वी नीड टू हैव अ ड्रोन डायरेक्टरेट. एक इंडिया में जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में अलग अलग डायरेक्टरेट्स हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग, वैसे एक ड्रोन डायरेक्टरेट अगर बन जाएगा वो फोर्स करेगा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है. मैन पावर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन चीजों को रेगुलेट करके इम्प्लीमेंट करने के लिए. इंडस्ट्री सपोर्ट करेगा, एफडीआई आएगा, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत लोग अच्छा करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू द गवर्नमेंट हैज टू हेल्प इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज रेडी टू हेल्प गवर्नमेंट बैक. इस चीज को हमें रखे हुए अगर करेंगे तो बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं. मे बी एज पर ऊबर 2023 नहीं, मे बी 2027 तक वी शुड बी एबल टू हैव आवर ओन ड्रोन टैक्सीज. आपको लगता है कि जो ट्रैफिक की मचमच है मुंबईया भाषा में, परवेज मेरे साथ हैं, उससे बचाने के लिए ये जो फ्लाइंग टैक्सी वाले ऑप्शन है, वोलोकॉप्टर जैसे ऑप्शन है, ये अच्छा सोल्यूशन देंगे क्या लोगों को? जॉन आपसे है सवाल. ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, जैसे कि मैम ने बताया प्रेफरेंस अगर मांगेंगे तो साइकिल से जाना है. मैं भी अगर प्रेफरेंस मांगोगे तो साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन यस टाइम सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है. एंड आप जैसे आपने सवाल पूछा ब्रेक के बाद, जैसे आपने बोला कि 10 मिनट में अगर कोई भी ट्रैफिक को अवॉइड करके जल्दी जाने की सोचेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या? ये अगर हर कोई सोचेगा तो आप सोचिए अगर 10 लाख लोग तो एक नए तरह के ट्रैफिक में फंसने वाले हैं जॉन. फिर तो ये आसमानी ट्रैफिक में लगता है हम फंस जाएंगे. फिर तो आसमानी ट्रैफिक का भी डर पड़ जाएगा. एग्जैक्टली, ये तो आसमानी ट्रैफिक हो जाएगा. सो ये रिमोट लोकेशन के लिए काफी अच्छा है. मुझे नहीं लगता है कि सिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया होगा. तो ट्रैफिक जो है वो समस्या तो रहेगी. पर वेजा आप बताइए, आप जल्दी पहुंचना चाहेंगे या नहीं? मुंबई में तो बहुत ट्रैफिक भी होती है. दिस काइंड ऑफ एयर टैक्सी तो मुंबई दिल्ली जैसे एक सिटी के लिए, अगर दिल्ली में कभी आपको गुड़गांव से एक एंड तक सिटी जाना है तो आप पहुंच ही नहीं सकते कभी कभी, देयर आर डेज व्हेन यू जस्ट कांट रीच. इसलिए ये तो सिटी के लिए बहुत बहुत, बहुत